जी न्यूज के प्राइम टाइम शो डीएनए के एक एपिसोड की क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल है। इस क्लिप के साथ दावा किया जा रहा है कि रोहिंग्या शरणार्थियों ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 45 हिंदू मार दिए। यह भी कहा जा रहा है कि उस गांव के हजारों हिंदू गायब हैं। यह वीडियो ट्विटर और फेसबुक दोनों पर काफी वायरल हो रहा है। कई जगहों पर ऐसा भी देखने को मिला कि वीडियो के ऊपर लिखा हुआ था, कहीं पानी मिले तो डूब जाइए, ये उन हिंदुओं के लिए तमाचा है जो भाईचारे का नारा लगाते रहते हैं। लेकिन जब आप इस क्लिप को देखते हैं तो सबसे पहले सुधीर चौधरी दिखाई पड़ते हैं। वो पहले 20 सेकंड में क्या कहते हैं देखिए और सुनिए। में बहुत चौंकाने वाली खबर थी, बहुत दुखद खबर थी, और इसीलिए हमारी टीम इस खबर की सच्चाई जानने के लिए उसी इलाके में पहुंच गई। रखाइन का यह इलाका मुंगड़ा जिले में है, जहां रोहिंग्या मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, लेकिन यहां हिंदू भी रहते हैं। इससे ये तो साफ हो जाता है कि ये रिपोर्ट म्यांमार में नरसंहार पर है, न कि कोलकाता के किसी छोटे से गांव के बारे में है। हमने कीवर्ड सर्च किया और हमें सितंबर 2017 में YouTube पर अपलोड किए गए डीएनए शो का एक एपिसोड मिला, जो म्यांमार में हुई हिंसा के बारे में था। यहां पर अगस्त 2017 में हिंसा भड़की थी, जब रोहिंग्या मुस्लिम विद्रोहियों ने 30 पुलिस चौकियों और एक सैन्य शिविर पर हमला कर 12 लोगों को मार दिया था। इसके बाद ARSA यानी अराकान रोहिंग्या सेल्वेशन आर्मी के लगभग 100 बागी एक हिंदू गांव पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों को उनके खेतों से भगाया और कई लोग मार डाले गए। हिंसा में जो हिंदू बचे थे वो भागकर बांग्लादेश आए। बांग्लादेश में रॉयटर्स ने कुछ हिंदू महिलाओं से बात की। महिलाओं ने बताया कि उनके परिवार के पुरुषों को रखाइन बौद्धों ने मार डाला था, लेकिन फिर उन्हीं महिलाओं में से 3 ने बाद में असलियत बताई। उन्होंने बताया कि जो मुसलमान उन्हें बांग्लादेश लेकर आए थे, उन्होंने ही सभी को आदेश दिया था कि लोगों के पूछने पर यही बताया जाए कि हत्या बौद्धों ने की थी। रॉयटर्स के मुताबिक कुछ गांव वालों का कहना था कि रोहिंग्या विद्रोहियों को यह शक था कि हिंदू सरकार के साथ हैं और सरकारी जासूसों के रूप में काम कर रहे हैं। इस घटना से जुड़ी सुधीर चौधरी की वीडियो रिपोर्ट का एक छोटा सा हिस्सा इस दावे के साथ शेयर किया गया कि कोलकाता के एक छोटे से गांव में रोहिंग्या मुसलमानों ने कई हिंदुओं को मार दिया।